तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो किस पर बेस्ड है सीबीएसई की जो लेटेस्ट न्यूज आई है दैट इज़ द सिलेबस रिडक्शन एंड न्यू पैटर्न सिलेबस थोड़ा बहुत आप लोगों का क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के बच्चों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को सी के बच्चों के लिए है ये वीडियो क्योंकि सी बोर्ड ने कोविड के रहते यानी कोरोना वायरस के रहते पैंडेमिक के होते हुए देखा है कि भाई पिछले साल ट्वेंटी में जो बच्चों ने एग्जाम्स नहीं दे पाए जिनका बोर्ड एग्जाम्स था वो नहीं दे पाए बहुत प्रॉब्लम हुई है ना तो इसीलिए पहले से ही इस बार उन्होंने ऐसे कुछ मेजर्स निकाले हैं ऐसे कुछ तरीके निकाले हैं जिसके लिए आप लोगों को एग्जाम्स देना थोड़ा ईजी हो जाएगा और आप लोगों की मार्क्स की जो इवेलुएशन है वो भी बेटर और आसान हो जाएगी ओके चलिए सो देखते हैं कि क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए क्या है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है वो आप यो, लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या फिर डाउटनेट ऐप पर भी देख सकते हैं अब हम चलते हैं क्लास नाइन्थ के पैटर्न के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद सिलेबस में जो जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे ठीक है सो न्यू सी एग्जाम पैटर्न क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आपके सेशन को ये पूरे साल को बांटा गया है दो टर्म्स में दैट इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म एंड होते ही आप लोगों का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर दिसंबर या नवंबर में कभी भी आपका एक एग्जाम हो सकता है दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सिलेबस अलग है सेकेंड टर्म का सिलेबस अलग है पहले क्या होता था कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सिलेबस कंब

क्वेश्चन पेपर कैसा होगा फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम पेपर है वो कैसा होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे यानी कि एक क्वेश्चन दिया गया होगा उसके चार पांच ऑप्शंस होंगे और उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन बताना है राइट right? और ऐसे क्वेश्चन तो हम अपनी क्लासेज में भी बहुत करते हैं क्विजिस के फॉर्म में बहुत करते हैं तो आप क्लासेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ऐसे एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन की इन द फॉर्म ऑफ क्विज इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट क्योंकि वी आई पी कोर्स में तो टेस्ट भी हमारे एम सी क्यू बेस्ड टेस्ट होता है, है ना सो so, इसीलिए बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग हमारा जो वी आई पी कोर्स है वो खरीद लें वी आई पी कोर्स ज्वाइन कर लें सो दैट आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिले राइट right? चलिए

Minutes, okay, and it will cover only the syllabus of first term. sirf सिर्फ और सिर्फ़ first term ka syllabus aayega isme theek hai aage next, next point kya hai At the end of the second term, second term end होने के बाद board जो है, CBSE board है, वो second term का या फिर year end exam कंडक्ट करेगी और जिसका सिलेबस होगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टर्म का तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि पूरा सिलेबस सिलेबस आएगा आएगा या कितना फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस है वो आपका नवंबर या दिसंबर में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो आपके स्कूल डिसाइड करेगा तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग नवंबर में या दिसंबर में अगर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें सीबीएसई द्वारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो ही आएगा टर्म के एग्जाम्स अगर आपके फेब्रवरी या मार्च या अप्रैल में हो रहे हैं तो उसमें आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस आएगा तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस बार आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम होने वाला है सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस बार हम लोगों का क्या होने वाला है ग्रेडिंग सिस्टम होने वाला है ओके सो मार्क्स की भी ज्यादा टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए आसान हो गई है चीजें बट आई नो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमें मार्क्स ही अच्छे लगते हैं 95 मार्क्स देखना कितना अच्छा है या ए वन ग्रेड देखना अच्छा है ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भाई 95 परसेंट मार्क्स देखना या 98 परसेंट मार्क्स देखना बहुत अच्छा है क्यों क्योंकि 90 जिसके आए हैं उसका भी ग्रेड ए वन बनता है और जिसके 99 परसेंट आए हैं उस बेचारे का ग्रेड भी ए वन बनता है तो इट्स बेटर कि आपको मार्क्स मिले बट कोई बात नहीं अब बोर्ड वालों ने ये लागू कर दिया है सिस्टम दैट मीन्स द ग्रेडिंग सिस्टम तो अब आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ओके चलिए जी अब चलते हैं सिलेबस की तरफ जो कि हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है आपको एकदम आसान सा सिलेबस मैं समझाती हूँ एकदम आसान तरीके से ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रिड्यूस हुई हैं चैप्टर कोई भी डिलीट नहीं हुआ है सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे आपके एग्जाम में लेकिन कुछ चैप्टर्स टर्म वन में आएंगे और कुछ चैप्टर्स टर्म टू में आएंगे तो सबसे पहले अगर टर्म वन के सिलेबस की बात करें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है नंबर सिस्टम इसमें से सब कुछ आएगा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है सब कुछ आएगा ठीक है नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन्होंने पोलियोनोमियल्स हटा दिया पोलियोनोमियल्स आएगा टर्म टू में हम ऑलरेडी पोलियोनोमियल्स कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पोलोनोमियल्स टर्म टू में आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारा नेक्स्ट चैप्टर और इसमें भी सारी चीजें आएंगी इस चैप्टर में से भी कुछ भी हटाया नहीं गया है बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये तो है ना देन नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इज वेरी वेरी सिंपल तो ये चैप्टर भी पूरा पूरा आएगा उसके बाद उसके बाद आ जाता है देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिय ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन टू यूक्लियस ज्योमेट्री उन्होंने हटा दिया है इंट्रोडक्शन टू यूक्स ज्योमेट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट हमारे सीबीएसई के सिलेबस में वो नहीं है कोई बात नहीं लाइन्स एंड एंगल्स लाइन्स एंड एंगल्स भी हम कर चुके हैं बहुत बढ़िया बात है और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है मोटिवेट यहाँ पर आपको लिख रहा दिख रहा है लिखा है मोटिवेट सो so ये वर्ड मोटिवेट का क्या मतलब है कि ये जो कुछ थ्योरम्स हैं इनका प्रूफ नहीं आएगा लेकिन इनको थ्योरम्स को आपको याद रखना है इनकी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल होने वाला है ठीक है इनका प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा जिस भी थ्योरम के आगे लिखा है मोटिवेट मोटिवेट इनका प्रूफ एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा लेकिन आप लोगों को इनका रिजल्ट याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होगा और जिनके आगे लिखा है प्रूफ जिनके आगे लिखा है प्रूफ उनका आपको प्रूफ याद करना है उनका आपको प्रूफ समझना है क्योंकि उनका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके okay, क्लियर है इजी पीजी है ना चलिए तो so, याद रखनी है ये छोटी छोटी बातें है ना नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में भी आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी थ्योरम्स थी हमने जो सारे कॉन्ग्रेंस कंडीशन थी एस ए एस 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 आर एच एस इन सबको प्रूव किया था लेकिन क्लासेस के दौरान भी मैंने आपको कहा था कि प्रूफ ज़्यादातर आता नहीं है तो बहुत बढ़िया प्रूफ तो वैसे भी नहीं आता देखिए मोटिवेट हर जगह लिखा है मोटिवेट सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम का प्रूव करना है हमें दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल आर इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल सिर्फ इसका प्रूफ करना है बाकी सभी का क्या है मोटिवेट है मोटिवेट यानी कि आपको सिर्फ पढ़ना है याद रखना है और उनकी हेल्प से आपको क्या करना है क्वेश्चन को प्रूव करना है ओके okay, क्लियर तो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए ज्यादा प्रूफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रटने की जरूरत ही नहीं है बस समझो याद रखो और क्वेश्चंस में उनका यूज करो है ना सो so क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अगर अभी तक भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा बहुत कम समय बचा है आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स को स्टार्ट होने में सो प्लीज 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 अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए ठीक है अभी भी वक्त है अगर आप वी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो हमारी फ्री क्लासेस तो चलती ही रहती हैं यूट्यूब चैनल पर भी और डाउटनेट ऐप पर भी डाउटनेट ऐप पर अगर क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपको हर चीज चैप्टर वाइज हर चीज चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट क्लासेस मैथ्स साइंस सोशल साइंस इंग्लिश ये सब मिल जाएगा ठीक है YouTube चैनल पर भी मिलेगा बट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है आप पर सारी चीजें बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई गई हैं, दी गई हैं और नोटिफिकेशन आती है इससे बढ़िया बात क्या है नोटिफिकेशन आती है कोई भी क्लास आपकी होनी हो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और तुरंत आप उस पर क्लिक करेंगे और आप क्लास अटेंड कर पाएंगे है ना सो so, आपकी सुविधा के लिए ऐप बनाया गया है तो आप ऐप पर क्लासेस अटेंड करें ओके चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फॉर्मूला भी बहुत ही आसान सा चैप्टर है है उसके बाद आ जाता है हमारा statistics. और स्टेटिस्टिक्स में भी आप देखिए फ्रिक्वेंसी पॉलिगन नहीं है आपके सिलेबस में फ्रिक्वेंसी पॉलिगन नहीं है आपके सिलेबस में आपके सिलेबस में मीन मीडियम मोड रेंज ये सब नहीं है बस क्या है बारग्राफ एंड हिस्टोग्राफ बस इतना सिंपल हो गया आपका सिलेबस फ्रीक्वेंसी पॉलिगन नहीं है मीन मीडियन मोड रेंज ये कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बारग्राफ एंड हिस्टोग्राम बस यही दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर ओके सो दिस इज आर फर्स्ट टर्म का सिलेबस फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो भाई बहुत आसान है इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं राइट right? चलिए अब देखते हैं सेकेंड टर्म का सिलेबस सेकेंड टर्म के सिलेबस में देखिए आ गया सबसे पहले पोलिनोम जो कि आना तो चाहिए था टर्म वन में क्योंकि हम लोग तो भाई ऑलरेडी कर चुके हैं है ना चलिए कोई बात नहीं अगर टर्म वन में नहीं आया तो टर्म टू में हेल्प हो जाएगी आप लोगों की है ना हम पहले ही कर चुके हैं सो so, पोलिनियल आ रहा है और इस चैप्टर में से भी ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है सब कुछ आ रहा है इस चैप्टर के अंदर से भी नेक्स्ट हमारा चैप्टर है क्वार्रिलचुरस भाई क्वार्रल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर हम आने वाली क्लासेस में करेंगे तो so क्वाड्रिलैटरल की भी बहुत सारी थ्योरम्स तो देखो ये आएंगी ही नहीं बहुत सारी थ्योरम्स की प्रूफ है ही नहीं आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम का प्रूफ आपको करना है दैट इज द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉनग्रेंट ट्रायंगल्स बाकी सभी थ्योरम्स का मोटिवेट है मोटिवेट यानी कि पढ़ो समझो क्वेश्चन में यूज करो बस खत्म कहानी प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है बट प्रूफ अगर आप रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हां जी भाई ये थ्योरम का मतलब क्या है ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है ओके चलिए नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सर्कल्स अब यहाँ से तो हमने कुछ किया नहीं है ज़्यादा सर्कल्स हमें नहीं पता सर्कल्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है बट यहाँ पर भी बहुत कम थ्योरम्स हैं जो आपको प्रूव करनी है बाकी सभी थ्योरम्स का सिर्फ और सिर्फ क्या है मोटिवेशन है बाकी सभी थ्योरम्स का देखिए सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है बहुत कम एक ही थ्योरम है जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना है क्लियर सो सिलेबस आसान होता जा रहा है पहले हम हम लोगों के टाइम में और जो आपसे पहले बच्चे गए हैं जिन्होंने नाइन्थ क्लास के एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने तो सारी सारी चीज़ें प्रूव करी हैं उन्होंने सारी सारी चीज़ें प्रूव करी हैं और एग्जाम में सारी थ्योरम्स प्रूव करने के लिए आती भी थी बट कोई बात नहीं यू पीपल आर लकी आपके टाइम में सिलेबस थोड़ा कम हो गया है बट मेहनत कब कम नहीं होनी चाहिए मेहनत पूरी करनी है और अच्छे से जमकर मेहनत करनी है सो दैट यू गाइज स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स सिलेबस कम हुआ है पैटर्न चेंज हुआ है उसका थोड़ा फायदा उठाएंगे अच्छे से मेहनत करेंगे और एग्जाम्स में अच्छा फल लाएंगे यानी कि अच्छे मार्क्स लाएंगे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे राइट right? और इससे आपका और आपकी फैमिली का और डाउट नट फैमिली का भी नाम रोशन होगा है ना भाई चलिए जी बहुत बढ़िया वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करने में तो बहुत मजा आता है कंस्ट्रक्शन करने में बहुत मजा आता है है ना तो so, ये दो टॉपिक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में से आएंगे ओके देन कम्स सर्फिस एरियन वॉल्यूम सर्फिस एरियन वॉल्यूम भी आप ऑलरेडी क्लास एथ में पढ़कर आए हो बट उसी का थोड़ा सा हायर वर्जन है देन कम्स प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी आप क्लास एट्थ में पढ़कर आए हो प्रोबेबिलिटी में से भी ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है तो ज्यादा कुछ हटा नहीं है आप देखो इंट्रोडक्शन टू यूक्लियस जियोमेट्री डिलीट हुआ है स्टैटिस्टिक्स में से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलिगन मीन मीडियन मोड ये सब डिलीट हुआ है बस और तो कुछ भी नहीं हुआ और कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं वो हटे हैं बस बाकी कुछ भी नहीं हटा तो ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं आया है बट आपको ये याद रखना है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है फर्स्ट टर्म का सिलेबस और सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो है आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम पैटर्न है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड यानी कि हर क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है लेकिन सेकंड टर्म का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका सब्जेक्टिव होगा यानी कि एक एक क्वेश्चन को जैसे हम नॉर्मली क्लास में सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ठीक है सो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है लेकिन सेकंड टर्म का पेपर जो है सब्जेक्टिव बेस्ड है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी है और क्लासेस पूरी पूरी अटेंड करनी है जो भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की अटेंड कर रहे हैं क्योंकि उसमें जितनी भी बेटा क्विजेज होती है ना वो आपकी एम टाइप के क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही होती हैं हर टीचर आपको क्लास के शुरुआत में एंड में एक क्विज देता है सो so दैट आपकी क्वेश्चन करने की हैबिट बढ़े आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आए और एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से सो क्लासेस अटेंड करना ना भूलें और अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर प्रिपरेशन कर पाए तो आप हमारा वी आई पी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास नाइन्थ का और अगर आपको वी आई पी कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती हूँ आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या मिस कॉल दे सकते हैं जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो इस नंबर पे आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं और अगर आपको कोई भी वीआईपी वी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और अगर डाउटनेट ऐप पर क्लासेज अटेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी नोटिफिकेशन मिल जाएगी हर एक वीडियो की जैसे ये आज हमारा सेशन हुआ है तो इस सेशन की नोटिफिकेशन आएगी आपके पास हर वीडियो की हर क्लास की नोटिफिकेशन आएगी एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसको आप क्लिक करके बड़े आराम से सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर आपका मिस आउट नहीं होगा ऐसे है ना सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करें डाउटनेट के साथ आपके सभी डाउट्स हो, का हो जाएगा सफाया लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स सो टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू सो मच